गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फोर्स बैलेंसिंग का पार्ट थ्री लेने जा रहे हैं, और इससे पहले हम दो पार्ट करा चुके हैं जिनमें फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 4 क्वेश्चन लिए थे। उसमें हमने बेसिकली समझाया था कि FBD कैसे बनाते हैं और फोर्स बैलेंस कैसे करते हैं फॉर रेस्ट बॉडी एंड फॉर एक्सिलरेटेड बॉडी। सो हमने एक विरामावस्था वाली बॉडी के लिए 3 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद कुछ गतिमान है, कुछ एक्सिलरेशन दे रखा है, उस तरह की बॉडी के लिए भी हमने 4 क्वेश्चन करा रखे थे। अब उसके बाद हम आगे क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें भी हम एक्सिलरेटेड बॉडी के लिए ही जारी रखेंगे। सो ये हमारा पार्ट थ्री है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है तो उनको जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो उसमें ज्यादा टफ नहीं है। वहां से अगर आप लगातार देखते आएंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका बेसिक से हाई लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने क्वेश्चन पाए जाते। तो क्वेश्चन में देखा है कि μ = 0, यानी फ्रिक्शन लेस कोई छड़ मतलब कि जैसे आपने घर बनाते समय एक लोहे की छड़ लगाते हैं घरों में, तो उस तरह की छड़ लग रही है, इसका आपको फ्रिक्शन लेस आता है, और उसकी जो लंबाई है वो एल दे रखी है। तो हमने एक छड़ बना ली, उसकी लंबाई एल दे रखी है, और उस पर एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसको हमने एफ से डिनोट कर दिया। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, लेंथ जो छड़ की है वो एल है, और उस पर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होने, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें फ्रिक्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट आएगा भी नहीं। तो हमें पूछा कि टेंशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोर्स एक्टिंग, यानी जहां से फोर्स एक्ट कर रहा है उससे कितने डिस्टेंस पे, उससे एक्स डिस्टेंस पे। तो हमने मान लिया यहां से लेकर यहां तक का कोई एक्स डिस्टेंस है, अब एक्स 2, 3, 5 मीटर कुछ भी हो सकता है, वो हमें एक्स का हमें वो निकालना है भाई, एक्स का हमें एक्स के फॉर्म में क्या निकालना है, हमें टेंशन निकालना है। यानी कि अब हमें टेंशन निकालना है, अब हम पूछे हैं टेंशन 2 मीटर पे तो एक्स की जगह हम 2 रख लेंगे, टेंशन 3 मीटर पे तो एक्स की जगह 3 रख लेंगे। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला निकालना है टेंशन का एक्स की फॉर्म में, यानी लंबाई की फॉर्म में। सो बेसिकली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा है, तो कोई भी होता है गति मूवमेंट होती है, तो हम सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये हमारा जनरल तरीका है करने का। तो हम इसको एक पूरी बॉडी मान लेंगे, तो पूरी बॉडी मानेंगे तो समीशन एफ क्या होता है, एम ए होता है ना, एम ए होता है, ऊपर नीचे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, या फिर अगर लगेगा तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसल आउट होगा, सपोज करो किसी सतह पर रखी होगी तो नीचे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर का कॉन्टेक्ट फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें ऊपर फोर्स से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये वाले एफ से, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल में एक तो ये लग रहा, उस तरफ से कुछ नहीं लग रहा ना नहीं लग रहा, इस पूरे सिस्टम के लिए ले रहे हैं हम, ऐसे नहीं बीच में ले रहे हो, बीच में लेते तो भाई इनके बीच में फिर कॉन्टेक्ट फोर्स भी लग जाएगा, तो बीच नहीं ले रहे, पूरा एक सिस्टम ले रहे, एक साथ ले रहे। तो एम हो जाएगा समीशन एफ, क्या है समीशन एफ, सिर्फ एफ ही है, दूसरी तरफ कुछ लग नहीं रहा तो माइनस कुछ नहीं होगा, तो एफ बराबर एम ए है ना, इज इट क्लियर। एम हमने मान लिया, एम मान लिया इस पूरी जो है छड़ है उसका मास मान लिया, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एफ बाई एम आ जाएगा। गाइस हम इसको कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं, तो एफ बाई एम, ये समझ में आ गया। हम हमेशा की तरह ऐसे ही करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं भाई, जो चीज निकालनी है उसका हम FBD बनाते हैं। तो हमें एक्स डिस्टेंस पे, तो हम एक्स डिस्टेंस यहां से यहां तक चल लिए, अब ये चीज बन गई हमारे पास यहां से यहां तक, यानी हमसे पूछा है कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे कितना टेंशन फोर्स लगेगा, तनाव बल लगेगा। सो हम इतनी सी जगह के लिए क्या बनाएंगे, FBD बनाएंगे। तो बेसिकली हमने किया ये डॉट से दर्शा दिया, हमने बना लिया, तो मुझे पता है इसका FBD बनाएंगे, तो ऊपर नीचे वाले को तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरफ तो F लगेगा, क्या लगेगा, एफ लगेगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और इस तरफ क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, हमें पता है इस तरफ लगेगा इसका, जैसे मैं इस तरफ प्रेशर डालूंगा तो ये जो छड़ है टूटने तो वाली नहीं, हमें पता है टूटने वाली तो नहीं है, फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे तो नहीं फोर्स डायरेक्ट इधर अप्लाई हो जाएगा, ये फोर्स इसके अंदर वाले जो मॉलिक्यूल है उस पर करेगा, फिर वो वाला अलग करेगा, फिर दूसरे पर करेगा, ऐसे ही अप्लाई होंगे ना। तो ऐसे ही इस पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे आके, एक्स डिस्टेंस पे आके, ये इस मॉलिक्यूल वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये बैलेंस करने के लिए इस तरफ लगाने की कोशिश करेगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, जब ही तो मूवमेंट होता है ना, अगर ये दोनों बैलेंस हो जाते तो गति नहीं करता, लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन कुछ आ रहा है, तो हमें पता है कि इधर जा वाला जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा इस तनाव बल से, तो इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। पर हमें पता करना है कि भाई ये जो है इस तरफ कितना बल लगेगा, तो हमने ये टेंशन फोर्स मान लिया, टी मान लिया, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो बस हम कर लेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि समीशन एफ करते हैं, समीशन एफ इक्वल्स टू एम और ए होता है, एम और ए होता है, एम हम क्या मानते हैं, एम हम उस चीज का द्रव्यमान, अभी तक हमने एम पूरे इसका माना था, कोई पूरा वो लिया था, हमने क्या लिया था, पूरी छड़ ली थी, लेकिन अब हम छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, तो इसी का एम आएगा,
तो समीशन एफ क्या हो जाएगा, समीशन एफ हो जाएगा एफ माइनस ये वाला टी, क्योंकि ये अपोजिट में लग रहा है। अब आप सोच रहे टी माइनस एफ क्यों किया, क्योंकि मूवमेंट इस तरफ हो रहा है तो ये बड़ा हो गया ना, तो एफ माइनस टी कर दिया मैं। फिर इसको इसमें से घटाता हूं, फिर माइनस में करना पड़ता तो जिससे छोड़ने के लिए मैं सीधे एफ माइनस टी कर दिया। अब एम है, एम क्या, एम इतनी सी दूरी का है, एक्स दूरी का है, एक्स डिस्टेंस का है। मुझे पता है कि एल लंबाई का द्रव्यमान कितना है, एम द्रव्यमान है ना, क्या कितना द्रव्यमान है, एम है। तो वन यूनिट का कितना हो जाएगा, एम बाई एल हो जाएगा, एम बाई एल हो जाएगा। इसलिए एक्स डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस का एम बाई एल इंटू एक्स, यानी इस इतना जो दूरी का है उसका मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स, यानी मैंने पूरे मास की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इंटू एक ही जगह मैं क्या रखूंगा, एक ही जगह मुझे पता है एफ बाई एम, क्या कर दूंगा मैं एफ बाई एम कर दूंगा। अब एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो एम हमें दे भी नहीं रखा था, हमने अज्यूम किया बाद में एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमें एम की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर हम स्मॉल एम लेते तो फिर स्मॉल एम लेते तो ये आ जाता एम बाई एम आ जाता, तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं होता ना। हमें तो जो चीज दे रखी है उसी चीज की फॉर्म उसी टर्म में लाना है, जैसे एल एफ दे रखा है और एक्स, तो इसी फॉर्म में लाना है। हमें कोई दूसरा मन से हमने मान लिया टी मान लिया फिर उसको भी हम उसके आंसर में घुसा दें तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होता है बस उसी फॉर्म में लाना होता है, इसलिए हमने ये एम अज्यूम किया था, इसलिए हम एम से एम कैंसिल आउट करना था तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो अब हमें टी चाहिए तो टी क्या हो जाएगा, एफ माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एल हो जाएगा। अब टी को मैं इस तरफ भेज दूंगा और इसको इस तरफ ले आऊंगा है ना, तो हो जाएगा टी बराबर टी क्या हो जाएगा, टी बराबर एफ माइनस एफ एक्स बाई एल। जब इसमें से एफ कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स बाई एल, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स अपॉन एल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया हमारे पास टेंस ऑफ फोर्स, एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने क्या किया, हमने किया कि जो है मां हमने जो पूरी छड़ है उस पर पूरे पे एक सिस्टम माना और एक्सेलरेशन निकाला, उसके बाद हमने जितनी दूरी पे हमें टेंशन फोर्स निकालना था उसका एफबीडी बनाया। एफबीडी में दो ही फोर्स लग रहे थे, अब समीशन एफ बराबर एम, हमने सेकंड जो है न्यूटन का सेकंड लॉ वो लगाया, उसका समीशन एफ हमने किया और एम एम को हमने निकाला भाई पूरे के लिए तो एम माना था हमने, तो इतने से इतनी सी लेंथ का कितना मास होगा वो हमने निकाली यूनिट मेथड से, और एक ही जगह हमने जो एक्सेलरेशन यहां से फाइंड किया था वो हमने रख दिया और सिंप्लीफाई कर गए तो अपने आप आंसर आ गया। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन में ये डायग्राम देखकर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, और जो ये डायग्राम है इस डायग्राम में इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बन रखी है, उसके ऊपर एक पुली लटकी हुई है यानी एक घिरनी लटकी हुई है, और उस घिरनी पे एक रस्सी भी है और उस रस्सी के दोनों सिरों पे एक M1 मास का कोई ब्लॉक है और दूसरे सिरे पे M2 मास का है। तो M1 की वैल्यू हमारे पास रूट थ्री और M2 की 1 kg दे रखी है। तो हमें क्या पूछा, हमें पूछा भाई जो रस्सी है मास लटके हुए तो इन पे कुछ टेंशन फोर्स होगा यानी खिंचाव बल उत्पन्न होगा वो हमें फाइंड करना है। उसके अलावा इधर ज्यादा है देखो M2 रूट थ्री और इधर 1 है तो ज्यादा है तो ये जो है पूरा सिस्टम इस तरह मूव करने लग जाएगा, ये जो ब्लॉक है रस्सी ये ज्यादा भारी है तो ये नीचे इधर घिसकने लग जाएगा, जब क्योंकि एक तरफ ज्यादा फोर्स होता है या एक तरफ ज्यादा भारी इंसान होता है वो कम भारी वाले को खींचने ले जाता है ना, वैसे ये खींच ले जाएगा इस तरफ मूवमेंट करेगा, ये किसी एक्सेलरेशन ए मान लिया उससे मूवमेंट करेगा, ये इधर खींच रहा है तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा एक्सेलरेशन किससे, ए एक्सेलरेशन से, तो हमें ये एक्सेलरेशन ए भी ज्ञात करना है। उसके अलावा भाई ये दोनों खींच रहे हैं तो इस पुली पे भी तो कुछ लोड डालेंगे ना, तो वो एफ आर है वो क्या फाइंड करना, हमें तीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले बेसिकली हमारा पॉइंट ये रहता है कि सिंपल कि सबसे पहले हम बनाएंगे एफ बी डी किसके लिए, एक तो एम वन मास के लिए बनाएंगे, एम टू मास के लिए बनाएंगे, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यू हमारे आंसर आ जाएंगे। मैं ज्यादा कुछ माता पची नहीं करनी, तो सबसे पहले हम एम वन के लिए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एफ बी डी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो है जो वस्तु है या जो थिंक होती है उसको हम एज इट इज ले लेते हैं, उसके अलावा उस पर फोर्स दर्शाते हैं, बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। तो हम सीधे सीधे बनाते हैं, M1 है, M1 इस तरीके से है थोड़ा टेढ़ा है ना, M1 के लिए दर्शा रहे हैं, रूट 3 kg लिख दिया मैंने M1 की, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और मुझे पता है कि जो है ए मूवमेंट से इधर एक्सेलरेशन से इधर मूवमेंट हो रहा है और इधर मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर फोर्स लग गया कुछ, और इधर क्या, इधर टेंशन फोर्स है, क्या इधर टेंशन फोर्स है, और नीचे क्या है, नीचे बताया मुझे जी लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, जी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो और है ना, और मुझे पता है इधर कुछ फोर्स लग गया, वो क्या होता है, वो एमजी होता है, लेकिन एम तो मास आ जाएगा ये एम, लेकिन जी क्या आएगा, जी का ये वाला घटक आएगा इसके इस तरफ वाला, तो हमें ये एंगल निकालना है कौन सा ले, तो मुझे पता है कि इसको डॉट डॉट से दर्शा देता हूं, डॉट डॉट से दर्शा दिया, और ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, ये कैसी थी, ऐसी थी कुछ, इधर 30 डिग्री बन रहा था है ना, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 होता है, 60 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया ये जी है, जी के थीटा के वाला जो होता है वो कौन सा एंगल होता है, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा आ जाएगा, जी कॉस कितना हो जाएगा, जी कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, जी कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना आ रहा था हमारे पास, 60 आ रहा था। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला जी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, जी साइन 60 डिग्री। तो इधर क्या फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इसके कारण एम एम जी जी कॉस 60 डिग्री, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया मैंने क्या किया, इधर टेंशन फोर्स लग रहा है मुझे पता है, और इस तरफ क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा एम जी होता है लेकिन जी का थीटा वाला, जी का थीटा वाला घटक लगेगा, तो क्या हो जाएगा, जी कॉस 60 इसलिए हुआ क्योंकि इधर 30 इधर 90 हो जाएगा, जब मैं पूरा ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 60 बनेगा, तो जो थीटा के साथ वाला कॉस आ जाता है, तो कॉस 60 हो जाएगा, तो फिर ये कॉस आ रहा है तो इधर साइन आ जाएगा, तो जी साइन 60, तो इधर क्या लग जाएगा, एम जी साइन 60 हो जाएगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है क्योंकि एम जी साइन 60 इधर लग जाएगा और इसका संपर्क बल इसको ऊपर ऊपर जो होगा बल देगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मुझे संपर्क बल पूछा होता, हाँ संपर्क बल पूछा होता कि भाई जो M1 का सरफेस जो स्ट्रक्चर है उस पर कितना संपर्क बल लगाएगा, तो मैं ये मान लिख देता एम वन जी साइन 60, एम जी साइन 60 के 60 डिग्री के बराबर लगाता, लेकिन मुझे वो पूछा नहीं है तो मैं इसका कुछ नहीं करूंगा, मैं इसका यूज करूंगा बस। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन इधर हो रहा है और कुछ फोर्स है ना, इसको गुरुत्वाकर्षण फोर्स तो इस तरफ लग रहा है ना, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ये एक तरह से क्या ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स, देखो गुरुत्वाकर्षण फोर्स सीधा लगेगा एम जी लगेगा, क्या लगेगा एम जी नीचे लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स को मैं दो घटकों में तोड़ दिया, इस वाला एम जी कॉस 60 हो जाएगा, इधर एम जी साइन 60 हो जाएगा, मैंने तोड़ दिया, तो ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। इधर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, तो क्या समीशन समीशन एफ क्या होता है, एम ए होता है, क्या होता है एम ए होता है, तो समीशन एफ करूंगा, समीशन एफ यानी इसमें से इसको घटा दूंगा, क्योंकि देखो गति ओवरऑल इस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है ना नीचे की तरफ, तो भारी कौन सा होगा ज्यादा वाला, ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो मैं एम जी साइन 60 कर दूंगा, एम जी सॉरी कॉस 60 है, तो कॉस 60 माइनस टी कर दूंगा, हाँ अगर इस तरफ मूवमेंट होता तो ये वाला भारी हो जाता, तो मैं समझ जाता भाई इसमें से इसको घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा एम ए हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, बस मैं वैल्यू रख दूंगा, एम क्या मेरे पास रूट 3 है, इसके लिए रूट 3 जी कॉस 60 की होती है मेरे पास 1/2, क्या होती है 1/2, तो रूट 3/2 जी माइनस टी इक्वल्स टू ये क्या है रूट 3 ए, तो एक इक्वेशन ये आ गई, मुझे टी और ए चाहिए, वो मैं एक और इक्वेशन बनाए कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा M1 ब्लॉक का, ऐसे ही M2 ब्लॉक का बनूंगा, M2 ब्लॉक का ये हो जाएगा, जैसे मैं इसी में दर्शा देता हूं, जैसे ये तो इस तरफ G लगेगा है ना, इस तरफ G होगा समझ गए, ये G है तो इधर 60 है, तो इधर कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 होगा ना, ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, तो 90 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से हम घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि इसके साथ वाला क्योंकि देखो मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग होगा, यानी जो ये डिजाइन है, जो ये तल है, इसके अकॉर्डिंग होगा, तो मुझे इस जी को मुझे एक तो इस तरफ तोड़ना पड़ेगा, एक इस तरफ तोड़ना पड़ेगा, है ना, तो इधर 30 आ गया, समझ गए, 60 है तो इधर 30 आ जाएगा, कैसा है 60 90 180 में से घटाएंगे, तो इधर 30 आ जाएगा, तो एक हो जाएगा जी कॉस 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी कॉस 30 हो जाएगा, सॉरी 30, और ये क्या हो जाएगा जी साइन 30 हो जाएगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, बस हम मैं दर्शा देता हूं इसको, एक तरह से ऐसी डिजाइन है, ऐसी स्ट्रक्चर है, FBD बनाएंगे तो ये क्या M2 यानी M2 है, समझ गए। अब इसको मैं दर्शाऊंगा तो क्या करूंगा, इधर तनाव बल लग रहा है, टी लग रहा है तनाव बल, देखो इधर भी टी मैंने मान लिया, इधर भी टी सेम लिया, क्योंकि पूरी रस्सी पर तनाव समान होना चाहिए वरना रस्सी टूट जाएगी, और इस तरफ क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा एम जी कॉस 30, कॉस 30 डिग्री, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, मैंने बताया ये इधर होगा तो ये ऊपर जाना ही पड़ेगा, वरना अगर ये भी नीचे जाने लगे, ये भी नीचे जाने लगे तो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन हमें जो है जो पूरा सिस्टम है उसको हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, तो बस कर दो भाई। अब ऊपर मूवमेंट करा है तो पता चला हमारे पास जो इस तरह इसमें तनाव बल ज्यादा होना चाहिए, तो मैं तनाव बल में से नीचे वाला घटा दूंगा, तो क्या जाए टी माइनस एम जी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 होती है रूट थ्री बाई टू, एम जी कॉस 30 करूंगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा M2A हो जाएगा, एम ए हो जाएगा ना, तो टी मुझे पता नहीं है, माइनस एम क्या मेरे पास 1 है तो 1 रहने दूंगा, तो जी रूट 3/2 इक्वल्स टू ए हो जाएगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया। बस मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, देखो इसमें क्या है, जी तो मुझे पता है 10 वैल्यू होती है, इधर भी जी पता है, वेरिएबल क्या है, इधर टी है, इधर ए है, इधर भी टी, इधर ए, दो वेरिएबल दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी और ए की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड आउट करते कैसे करें, तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू तो दोनों को जोड़ूंगा, 1 + 2 करूंगा, तो देखो √3/2g - t है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड एक साथ जोड़ूंगा, प्लस टी माइनस जी √3/2।
क्वेश्चन को जोड़ लिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड रूट थ्री जी बाई टू माइनस टी, इसका टी माइनस रूट जी थ्री बाई टू, ऐसे ही इसके इन दोनों के राइट हैंड साइड को आपस में जोड़ लेंगे तो रूट थ्री है प्लस ए। तो ये देखेंगे टी से माइनस टी कैंसिल आउट हो जाए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इससे पता चल रहा है हमारे पास एक्सिलेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी जो पूरा जो है सिस्टम मूवमेंट ही नहीं करेगा, यानी स्थिर रहेगा बिना किसी गति के। ए की वैल्यू आ गई, अब इस ए की वैल्यू में इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, तो मैं मान चलो इसमें रख देता हूं, ए की इसमें रखूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो करके देखते हैं एक बार, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैंने रखी इस वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू जीरो, तो रूट थ्री बाई टू जी माइनस टी माइनस टी इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू जीरो, तो जीरो हो जाता है, तो इससे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री बाई टू जी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, उस पर टेंशन बल रस्सी में कितना है वो आ गया, और बेसिकली वो आ गया, और हमें एफ आर और ज्ञात करना है इस पुली पे कितना बल लग गया। और इससे पहले मैं बता दूं, दो इक्वेशन आ रही है तो इनको तीन चार तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक तो प्रतिस्थापन भी होता है, एक विलोपन भी होता है, काफी सारी विधियां होती हैं, आप चाहे ऐसे भी कर सकते थे, यहां से टी की वैल्यू निकाल के उसमें रख देते, जैसे इधर है, इधर टी को अकेला कर लेते, टी को करता मैं क्या करता रूट थ्री जी बाई टू, इस टी को इस तरफ भेजता और रूट थ्री ए को इस तरफ ले आता, तो टी की वैल्यू क्या आ जाती रूट थ्री जी बाई टू माइनस रूट थ्री ए इक्वल टू टी। अब इस टी की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख देता, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे पता चला भाई दूसरी इक्वेशन में एक प्लस टी आ रहा है इधर माइनस आ रहा है, अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैंने उनको जोड़ दिया था डायरेक्ट। तो ये भी होता है, काफी तरीके होते हैं। अब मुझे एफ आर ज्ञात करना है, क्या करना है एफ आर, तो अब इतना पता चल गया मुझे t बराबर रूट थ्री जी बाई टू, ए बराबर जीरो, तो मुझे पता है ये रस्सी है, देखो ये इस तरीके से है, ये पुली पे लटकी हुई है ना, पुली इससे जुड़ी हुई है और ये ऐसे जा रहा है, तो इस पर नेट ये एफ आर, इस पर भी तो कुछ भाई था फोर्स लगा कि इधर भी खिंच रहा है, इधर भी खिंच रहा है, तो इस पर भी तो बल लगेगा, तो देखो इस पर टी आ रहा है ना, इधर भी टी आ रहा है, इधर एफ आर आ रहा है, तो मुझे पता है कि देखो ये परपेंडिकुलर होंगे 45 45 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देखो दोनों का एंगल सेम होना जरूरी है, दोनों का एंगल सेम होना जरूरी है, और वैसे भी देखो 60 है 30 है 90, तो ये इधर 90 आ गया, टोटल बाल कितना बचा, टोटल बचा 90 और बचा, क्योंकि टोटल ट्राइंगल की वैल्यू होती है 180 होती है, तो 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगी, तो ये भी 90 सेम एंगल 90 रहेगा, तो टोटल 90 है, तो आप ये भी सोच सकते हैं इधर 60 हो जाए इधर 30 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जीरो है स्थिर अवस्था में, तो ऐसा और स्थिर अवस्था में और बिल्कुल संतुलित है पूरा सिस्टम हमारा संतुलित है, तो भाई दोनों से एंगल समान होना चाहिए ना, जब भी तो एक तरफ से ज्यादा एंगल हो गया एक तरफ से कम हो गया तो टूट भी सकती है ना, इसलिए हम 45 45 लेंगे, क्या करेंगे 45 45 लेंगे, तो जो देखो ये हो गया, अब हमें समझ गया एफ आ गया, तो अब इन दोनों का परिणामी बल क्या होगा, इन दोनों का परिणामी बल होगा, इन दोनों का परिणामी बल इन्हीं के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा, अपन निकालते हैं, और ये 90 डिग्री पे, तो मुझे पता है 90 डिग्री पे क्या होता है रूट टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर होता है ना, ये होता है, क्यों होता है टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू टी वन टी टू कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा थीटा कितना होता है 90 हो जाएगा इनके बीच में, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो रूट टी वन का स्क्वायर टी टू का स्क्वायर, तो बस कर दो रूट टी स्क्वायर प्लस ये भी सेम रहेगा, तो टी स्क्वायर दैट इज टी रूट टू हो जाएगा, टी रूट टू हो जाएगा, तो टी की वैल्यू मेरे पास आई थी रूट थ्री जी बाई टू, रूट थ्री जी बाई टू, और ये रूट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट थ्री बाई टू जी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, क्या होगी हमारे पास आएगा रूट थ्री बाई टू जी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट थ्री बाई टू जी, जी की वैल्यू आप चाहे तो पुट भी कर सकते हैं, ये समझ में आ गया हमने क्या किया, एक बार हम समझ लेते हैं हमने किया कि सिस्टम देगा, सिस्टम में हमने कुछ एक्सीलरेशन माना, हमने भारी वस्तु की तरफ माना भाई इधर मूवमेंट हो रहा है, मान लिया हमने ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, फिर हमने एम वन का एफ बी डी बनाया, एम वन का ऐसे ही एम टू का एफ बी डी बनाया, तो एम वन के एफ बी डी में हमने क्या किया कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बल लगेगा उसको हमने एक इस तरफ तोड़ दिया एक इस तरफ तोड़ दिया, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमें पता है तनाव बल चाहिए, तो तनाव बल के पॉजिटिव हमें कोई सा बल तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए हमने एक घटक तनाव बल की तरफ ले लिया और उसको हमने इक्वल कर दिया समीशन एफ इक्वल्स टू एम ए के बराबर, ऐसे ही एम टू के लिए किया और दोनों इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास टी और ए की वैल्यू आ गई, और इसी तरह हमारे एफ आर यानी जो पुली पर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हमने कैसे की रूट टी स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि 60 केजी ह्यूमन यानी 60 किलो का कोई आदमी है वो एक भार मशीन पर खड़ा है, यानी जो वेट नापते हैं ना उस मशीन पर खड़ा है, तो हमसे पूछा कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, यानी जो भार मशीन है उस पर कितनी रीडिंग आएगी, तो बेसिकली भार मशीन क्या होती है, भार मशीन होती है कि कोई इंसान उसके ऊपर खड़ा है कोई भी चीज खड़ी है तो उसका जो वेट है भार कह लें या फिर उसका जो फोर्स कितना अप्लाई करेगी जो वो कोई वस्तु है, जैसे इंसान है, इंसान वेटिंग मशीन पर या वेइंग मशीन पर खड़ा है तो जो ये इंसान इस पर कितना लोड लगाएगा कितना बल लगाएगा वो इस पर नापेगा। आप सोचते होंगे भाई हम नापते हैं तो हमारा तो ये वेट वो नापता है कि 60 केजी 10 केजी ये बल थोड़ी है, बेसिकली वो नापता बल है लेकिन उसमें जो है जी का डिवाइड करने के बाद उसका हमारा मास आ जाता है क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम जी होता है,
एमजी होता है। तो मास कैसे आता है, मास आ जाए एफ बाई जी, यानी इस पर जो फोर्स लगता है उसको जी से डिवाइड करने के बाद हमारा वेट नाप जो है मास नाप के दे देता है। तो बेसिकली वो मापता जो है क्या है, भार नापता है, क्योंकि इसमें नाम ही दिख रहा है वेट, वेट मतलब भार होता है, इससे बल एक तरह से भार यानी न्यूटन में आएगा। तो हम करेंगे सबसे पहले इस पर बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। तो ये एक ह्यूमन है सपोज करो, है ना, तो इस पर एक नीचे जो लगाएगा गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा एमजी, यानी 60 × 10 दैट इज 600 न्यूटन, 600 न्यूटन लगाएगा। तो ये जितना भार नीचे लगाएगा, अब ये इस पर प्रेशर लगा रहा है जो है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो क्या होगा, तो इस पर जितना भार लग रहा है वो संपर्क वाले यानी कॉन्टैक्ट फोर्स उस पर उतना ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। तो जो ये वेटिंग मशीन है, वेटिंग मशीन ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगा रही होगी, वो भी 600 न्यूटन लगा रही होगी। ऑब्वियसली हमें पता चल गया ना इक्विलिब्रियम में लगना है, तो जितना नीचे वो लगा रहा है उतना ऊपर लगना चाहिए। तो अब इसका तो हमें पता चल गया क्या हो गया ना, अब हम नापेंगे वेटिंग मशीन का एफबीडी बनेंगे, वेट मशीन है ये, है ना। अब इस पे कितना लग रहा है, इस पे इसके कारण लग रहा होगा नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, 600 न्यूटन नीचे फोर्स लगा रहा होगा ना, नीचे लग रहा होगा। अब ये भी तो अब नीचे इस पे इसका भार लग रहा है, तो इसको भी तो बैलेंस होने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना, वरना ये नीचे चली जाएगी। तो इसको संपर्क में बराबर करने के लिए क्या लगेगा, एक नीचे से कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस का ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो है ये मशीन और सरफेस के बीच में कितना फोर्स होगा, तो हम कह सकते हैं भाई इस पर 600 लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए वो भी 600 न्यूटन लगा। आपसे पूछ सकता है कॉन्टेक्ट होगा जो ह्यूमन और मशीन के बीच में, उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कह सकते हैं कि भाई जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो भी 600 न्यूटन लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ विंग मशीन, तो जो वेट मशीन पर लोड यानी वेटिंग मशीन पर कितना लोड पड़ेगा उसका हमें वैल्यू करनी है। तो हम कह सकते हैं भाई इस पर उतना ही लोड पड़ेगा ना जितना ह्यूमन का वेट होगा, जितना ह्यूमन का वेट होगा उतना ही तो भार बनेगी। तो ह्यूमन का वेट कितना आता है, 600 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 600 न्यूटन। गाइस फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इस प्रकार का कोई सिस्टम दे रखा है, एक नत्तल है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और फिर ये नत्तल का जो शीर्ष है, जो कॉर्नर है, वो एक घिरनी से जुड़ा हुआ है, यानी इंग्लिश में बोले तो पुली से जुड़ा हुआ, और पुली के सहारे एक रस्सी लटकी हुई है, और उस पर एक 10 kg का जो है मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ, और दूसरी तरफ कितना फोर्स लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, यानी इधर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है जिससे ये ब्लॉक के ऊपर की तरफ मूव करे, और उसके साथ साथ 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ भी अप्लाई किया जा रहा है। क्या आप समझ के, इस प्रकार का सिस्टम है, इसमें 200 न्यूटन का फोर्स इधर कोई अप्लाई कर रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई किया जा रहा है। हमसे पूछा है कि जब खींचेंगे तो भाई इसमें कोई टेंशन फोर्स होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, क्योंकि कोई रस्सी होती है, रस्सी को अगर उसकी बिल्कुल सिस्टम से या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट से अगर ज्यादा खींचा जाता है या बीच में दबाया जाता है, तो जो उसके अंदर एक फोर्स उत्पन्न होता है जो उसको वापस अपनी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें लाने की कोशिश करता है, वो क्या होता है, टेंशन फोर्स। हम खींचेंगे, इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, तो वापस स्थिति में लाने के लिए तनाव बल लगेगा, ऐसे अगर हम दबाएंगे रस्सी को तो वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त करने के लिए जो है वो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसमें कितना टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा, उसके अलावा भाई खींचा जा रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन से जो ये सिस्टम है, जो ये ब्लॉक है मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके साथ साथ हमें जो जब खींचा जा रहा है तो ये पुली है, इस पुली पर कितना फोर्स जो है लगेगा, कितना जो भार इस पर लगेगा, भार महसूस होगा, वो एफआर ज्ञात करना है, यानी हमें तीन चीज फाइंड करनी है। मैंने थ्योरी लेवल लिखने की बजाय मैंने सीधे समझा दिया भाई क्या क्या पूछा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम करते हैं एफबीडी करते हैं, हम सबसे जो भी चीज होती है सबका उसको अलग अलग करके उस किसी भी चीज का एफबीडी बनाएंगे, उसमें सिर्फ फोर्स दर्शा देंगे, बस ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका देखूंगा, मैं इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी मान लिया, क्या मान लिया, या ए पॉइंट मान लिया, सपोज करो ए पॉइंट मान लिया, मुझे पता चल गया ए पॉइंट है, तो मुझे पता चलेगा भाई 200 न्यूटन इधर खींच रहा है, तो और इस पर कहीं और फोर्स नहीं लग रहा है, इस पॉइंट पे ले लिया मैंने, कहां ले लिया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे पता चलेगा कि भाई इस तरफ तो 200 न्यूटन आ रहा है, और इस पॉइंट पे फोर्स इधर क्या आ रहा है, इधर टी आ रहा है, टेंशन फोर्स आ रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा ना इस पर, इस तरफ भी नहीं लग रहा ना, इस तरफ लग रही, कॉन्टेक्ट में थोड़ी है जो इस तरफ लगेगा, तो सिर्फ इस पॉइंट बी पॉइंट, इस बी पॉइंट के या ए पॉइंट मानू, कोई पॉइंट मानू, इस पॉइंट के लिए मैं करूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ तो टी फोर्स लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, 200 न्यूटन। तो अगर रस्सी पूरी इक्विलिब्रियम में, यानी इनके बीच में, इन रस्सियों के कणों के बीच में अगर विस्थापन नहीं उत्पन्न हो रहा, हाँ पूरी रस्सी जरूर मूव करेगी, लेकिन रस्सी के बीच के कणों के बीच में विस्थापन उत्पन्न नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, इस पर जो टेंशन फोर्स है वो 200 न्यूटन के फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो हम एफबीडी से कह सकते हैं जो टी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 200 न्यूटन, क्या हो जाएगी 200 न्यूटन। तो समझ में आ गया टेंशन फोर्स कैसा है। अब मैं किसका इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक तरह से मुझे पता है कि इधर एमजी लगेगा, नीचे फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स है ना, इधर टेंशन फोर्स आ गया, इधर 10 न्यूटन आ गया, तो
तो मुझे टेंशन फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, टेंशन फोर्स चाहिए, तो मैं इस mg का इसके घटक निकालूंगा, इस तरफ घटक निकालूंगा, इस तरफ बांट दूंगा, तो मुझे पता है ये डॉट 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 कर दिया है ना, तो ये है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, तो 30 है, ये भी 30 होगा, ऑब्वियसली 30 होगा ना, क्योंकि जो ये एक तरह से सर्वांगसम त्रिभुज है, क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है, तो एंगल बराबर रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि मैंने ये बना दिया, ये 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, बिल्कुल ये 90 हो जाएगा, और ये 30 है ही, ये 30 है, आप सोच रहे हैं भाई ये तो बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया ना दूरी, लेकिन आपने देखा होगा ये लेंथ भी बढ़ गई, ये लेंथ भी बढ़ गई, क्योंकि तो फिर अपन इनका जो है रेशो निकालेंगे, तो वो 30 डिग्री के बराबर ही आएगा, आप समझ सकते हो आराम से, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसके इस तरफ वाला घटक क्या हो जाएगा, एमजी कॉस 60, एमजी कॉस थीटा होता है, क्योंकि थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है, इधर साइन थीटा हो जाएगा, तो एमजी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, तो एक बार मैं इसको वापस दर्शा देता हूँ, एक बार क्लियरली, इधर 10 केजी का जो है ब्लॉक है, और इस तरफ क्या है, टेंशन फोर्स लग रही है, और इस तरफ क्या लग रहा है, एक तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, और एक लग रहा है एमजी कॉस 60, तो एमजी कॉस कितना लग रहा है, 60 डिग्री लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, और जो है क्या हो रहा है, ये पूरा ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, तो ज्यादा बल कौन सा होगा, ये वाले ज्यादा होंगे, ये वाले ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली टेंशन फोर्स ज्यादा होगा, जब तो इस तरह मूव करवा रहा होगा ना, ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा होते ना, इन दोनों का एड ज्यादा होता तो इस तरह मूव करता, लेकिन मुझे पता है इस तरह मूव कर रहा है, आप चाहे तो इसको इस तरफ भी मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, बाद में वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो दिशा चेंज हो जाएगी, जो साइन है नेगेटिव आ जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसमें फिजिक्स में आप कुछ ही मान सकते हैं, तो सॉरी गाइस इंटरक्शन के लिए, सो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा समीशन एफ, क्या होता है एम ए, किस डायरेक्शन के लिए लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन के लिए लगा रहा हूं, तो समीशन एफ यानी इस पी फोर्स में से माइनस 10 माइनस एम जी कॉस 60 कर दूंगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने कैसे किया, मैंने किया कि देखो ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो एड हो जाएंगे, ये दोनों एड हो जाएंगे, तो इनका परिणामी बल इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्या जाएगा, प्लस 10 इसके बराबर आ जाएगा, है ना, बस मैंने इसी को कर दिया एक साथ माइनस करके, ये ऐसे कर दिया टी माइनस इस तरफ वाला, तो टी माइनस ये कर दिया मैंने ना, समझ गया, अब मैं क्या करूंगा, टी माइनस 10 माइनस एम, क्या एम है मेरे पास 10, इंटू जी क्या है 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज 10 इंटू ए, 10 इंटू ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे टी पता है, टी कितना था, मैंने यहां से 200 निकाला था, तो इसको रखूंगा, तो 200 माइनस 10 माइनस, जब इसको डिवाइड करूंगा तो या 2 5 10 देन 50 इक्वल टू 10 a, जब इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 140, क्या आ जाएगा 140, क्योंकि 200 माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 5 50 माइनस 60 दैट इज 140 आ जाएगा इक्वल टू 10 a, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरे पास टी की भी पता है, ए की भी पता है, समझ गए, अब मुझे एफ आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको मैं अभी क्या फाइंड करता हूं, अब मुझे पता चल गया टी की वैल्यू आ गई, और किसकी आ गई, और आ गई मेरे पास ए की वैल्यू, ए 14 आ गया और टी आ गया मेरे पास 200 न्यूटन, अब मुझे पता है एफ आर की चाहिए, तो इस तरफ एफ आर लग रहा है ना, और इस तरफ लग रहा है मेरे पास टी लग रहा है, इस तरफ टी लग रहा है ना, ये टी है, इधर टी आ रहा है, इधर टी आ रहा है, और इनकी 30 60 तो कितना आ गया, बाकी 90 बचेगा, तो इनके बीच के एंगल बराबर बराबर आएंगे, जब भी तो सेम एंगल में होना चाहिए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 30 है या 60 है, और इनके फिर ये नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो इनका परिणामी बल बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, तो और है ना, ये समझ गए, इस डायरेक्शन में आएगा, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा रूट ए वन स्क्वायर, ये टी स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस 2t1t2 एंड 2t1 ये हो गया, टी टू भी यही है, टी टू कॉस थीटा कितना इनके बीच में 90 डिग्री है, तो ये तो जीरो हो जाएगी, कॉस 90 की जीरो हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2t2 है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो टी रूट टू, टी की वैल्यू हमारे पास 200 थी, तो वैल्यू रख देंगे तो 200√2 न्यूटन आंसर आ जाएगा, तो इसका जो एफ आर है, एफ आर भी इसी डायरेक्शन में था, इनका परिणामी भी इसी डायरेक्शन में, तो जो एफ आर है परिणामी के बराबर होगा, परिणामी के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, 200√2 न्यूटन के बराबर। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं जरूर कमेंट करके बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम अगला जो है कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, वो आएंगे हम स्प्रिंग फोर्स पे, जो स्प्रिंग होती है उस पर कैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर कैसे उनको सॉल्व करते हैं।